मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से थाना के अंदर ये एक खुशी मनाई गई है, जो अजीत दादा पवार साहब ने, जो पूरे महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं, उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री की कल शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, उसी की खुशी में आज हम लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांट के उसका जल्लोष जाहिर किया है। हमारा निषेध ऐसे नेताओं के लिए है जो महाराष्ट्र के विकास में अड़चन बनना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब के फ़ोटुओं पे, यानी कि जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी वजह से आज हम लोग उसका निषेध करते हुए, जो भी नेता है जयंत पाटिल हो या जो भी नेता हो, उन सबका हम लोग निषेध करते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने उनको ये नेतृत्व में, ये आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मार्गदर्शन में हमारे जो गट नेता है यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नजीब मुल्ला साहब, उनके मार्गदर्शन में ये किया गया निषेध है, और जो खुशियाँ मनाई गई वो भी माननीय नजीब मुल्ला साहब के मार्गदर्शन में किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर्व सामान्य लोगों की है, जो शेतकरी है, जो कष्टकारी है, जो कोई महाराष्ट्र के किसान है, और इस महाराष्ट्र का विकास करने वाले, इसको आगे लेके जाने वाले अजीत दादा पवार, उनके नेतृत्व में चलने वाली ये पार्टी है, और हम लोग उनके साथ है, और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रफुल्ल पटेल साहब और अजीत दादा पवार साहब के मार्गदर्शन में चलते हैं। शरद पवार साहब आज भी हमारे नेता ही है, हम उनका सम्मान करते हैं, और आज भी आप लोग देखेंगे, चाहे अजीत दादा पवार हो, इस पार्टी के जो भी नेता हो, हर किसी ने शरद पवार साहब को ही माना है, और उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं के विचारधारा पे, जो शाहू फुले अंबेडकर जो विचारधारा है, बस उसी एक जो सर्वसामान्यों की पार्टी है, उन्हीं के विचारधाराओं पे पवार साहब की ये पार्टी आगे चलेंगी अजीत दादा के साथ। ज्यांची विरोधक असताना विरोधकांनी सुद्धा धास्ती घेतली होती, ते उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या मनातले मुख्यमंत्री होवत म्हणून वेळोवेळी प्रयत्न केले असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस आमच्याच पक्षातील काही लोक नेत्यांनी त्याच्यामध्ये खोडसाळपणा केला, आणि आज सन्माननीय अजितदादा उपमुख्यमंत्री झालेले त्यांच्यावर चिडून किंवा त्यांच्यावरती जळण करून त्यांच्या फोटोला वेळोवेळी जागा ठिकठिकाणी काळं फासण्यात आले, आणि याचा कुठेतरी निषेध करून आम्ही राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आम्ही सन्माननीय नजीब मुल्ला साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सन्माननीय नामदार अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री झाले म्हणून आम्ही सर्व ठाणे शहरातील युवक एकमेकाला पेढे भरून जल्लोष करत असतानाच सन्माननीय अजितदादांच्या चेहऱ्यावरती काळं फासणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांना किंवा जयंत पाटलांना आम्ही जाहीर निषेध करतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस ही सर्वसामान्यांची आहे, या महाराष्ट्राचा विकास करणाऱ्याची आहे, या महाराष्ट्राचा सर्व फुलेशाह आंबेडकर या जनतेला न्याय देणाऱ्यांची आहे, आणि हा न्याय फक्त या महाराष्ट्राला सन्माननीय अजित दादा देऊ शकतात, ही आमची ठाम ग्वाही आहे। अजित दादा आगे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजित दादा आगे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम्ही सन्माननीय नजीब मुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली जे नजीब मुल्ला साहेब जे बांधतील ते या ठाण्याचं धोरण असेल, आणि अजितदादा जे पवार बोलतील ते या महाराष्ट्राचं धोरण असेल।